मेरे यहाँ राखी बांधने एक लड़की आई थी, वो स्टॉल बांधी हुई थी वहां पे। हम कह रहे बाबू आज तो मिठाई खिलाएंगे, आशीर्वाद देंगे, तो जब खोली ना तो उसका पूरा एसिड अटैक था। एसिड नहीं होना था, चाहिए मिट्टी तेल था। था, बढ़िया से बढ़िया सजा, ताकि रूह कांप जाए लोगों की। तो ये सजा में जो ढिलाई है ना, ये भी बहुत खराब चीज है, जो इन मनचलों को बढ़ावा देता है। जैसे एसिड अटैक हो गया, रेप की घटना हो गई, इन सब को ऐसी बेहतरीन सजा दो ना कि यमराज को भी ट्रेनिंग लेना पड़े इंडिया में आके, यार बड़ी जबरदस्त मार रहा है। जब पढ़ाई करता है ना, वो केवल एग्जाम से लड़ रहा होता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है ना, तो सबसे पहले वो अपने परिवार से लड़ के आई होती है, फिर समाज से लड़ के आई है, फिर उसके बाद वो एग्जाम से लड़ रही होती है। तो जब एक लड़का का रिजल्ट होता है, मतलब वो इस एग्जाम से लड़ा है, और जब लड़की से हो रही है तो पूरे समाज और दुनिया से लड़ा है, लड़ी है वो, तो उसको कम से कम इतना तो टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि वापस उसको पटना छोड़ के जाना पड़े। तो अगर कोई ऐसा कर देता है तो हम उनको भी कहते हैं कि भाई तो उसको भेजने से अच्छा तुम ही चले जाओ यहाँ से। चलिए ठीक है, इन सब बातों पे खान सर की बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, रक्षाबंधन, प्रेम, ये सारी चीजें हैं। ये एक रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जिसे हिंदुस्तान में सबसे धूमधाम से मनाया जाता है, उसके बावजूद भी कहीं कहीं एसिड अटैक, लड़कियों के साथ दिक्कत, प्रॉब्लम, इतने सारे भाई धरती पर लड़कियों के हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है सर? कल मेरे यहाँ राखी बांधने एक लड़की आई थी, वो स्टॉल बांधी हुई थी वहाँ पे। हम कह रहे बाबू आज तो मिठाई खिलाएंगे, आशीर्वाद देंगे, तो जब खोली ना तो उसका पूरा एसिड अटैक था। एसिड नहीं था, मिट्टी तेल डाल के जलाया गया था उसे। हमको बड़ा अजीब लगा, हम कहें कि तुमको जो जलाया है ना बाबू, कुछ दिन हमको समय दे दो, तुमको अधिकारी बनाएंगे, कुछ भी हो जाए ना तेरा ट्रांसफर हम उसी एरिया में कराएंगे, चाहे जैसा हो जाए यहाँ पे, तुम ऐसा सजा देना ना रूह कांप जाए लोगों का यहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं एक ये भी है ना कि जिनके ऊपर जो एसिड अटैक कर देते हैं ना, बड़ा इजीली कानून में कुछ लूप होल है, वहाँ से इजीली निकल जाते हैं, भय बिना प्रीत कहाँ। थोड़ा जाके आप किसी, जैसे आप किसी एक आम इंसान को लोग मार देते हैं, किसी देखे हैं किसी पुलिस अधिकारी को या उसको कोई कांस्टेबल को बोल देता है, थोड़ा आईपीएस को बोल के दिखाएं, रीजन क्या है? दोनों पुलिस वाले हैं, पता आईपीएस को बोलेंगे इतना बढ़िया से सजा मिलेगा, कुछ नहीं बोले। तो सजा जो होना चाहिए ना एकदम बेहतरीन होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया सजा, ताकि रूह कांप जाए लोगों की। तो ये सजा में जो ढिलाई है ना, ये भी बहुत खराब चीज़ है, जो इन मनचलों को बढ़ावा देता है। जैसे एसिड अटैक हो गया, रेप की घटना हो गई, इन सबको ऐसी बेहतरीन सजा दो ना कि यमराज को भी ट्रेनिंग लेना पड़े इंडिया में आके, यार बड़ी जबरदस्त मार रहा है सभी से जबरदस्त मार रहा है सब। और ये बात सच सही बोला सर ने कि इतना बड़ा भाई बहन का प्यार वाला त्यौहार हम लोग मनाते हैं, उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा एसिड अटैक, रेप की घटनाएं और छेड़खानी की घटनाएं हिंदुस्तान में ही होता है, जो अपने आप में विश्व गुरु हिंदुस्तान के लिए एक होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जो लड़कियाँ आती हैं, पूरे देखिएगा सबसे ज़्यादा लड़कियाँ हमारे यहाँ पढ़ने आती हैं, दिन भर में कम से कम 6-7 हज़ार एक बार दिन भर में चली जाती हैं यहाँ पे, और ऑनलाइन में तो लगभग 7-8 लाख के आसपास लड़कियाँ हैं, और लड़कों की बात करें तो वो 43 लाख हैं, मतलब टोटल 43 लाख, जिसमें 7-8 लाख के आसपास लड़कियाँ। यहाँ जितनी लड़कियाँ आती हैं उतना कहीं पर भी लड़की नहीं बैठती किसी कोचिंग में, और वही 5 तल्ला पर चढ़ जाती हैं। एक लड़की को बहुत लड़का एक परेशान कर रहा था, वो कही कि जानते हो हम कहाँ पढ़ते हैं? खान सर के यहाँ। अगले दिन उसको नहीं, रीजन क्या है? ज्यादा नौटंकी करते हैं लोग ना, तो लड़की आके कहती है सब कि ऐसा ऐसा कर रहा है, तो हम लोग एक स्टाफ भेज देते हैं, देखो तो इसको अब वो पकड़ के ले आता है यहाँ पे बढ़िया से। इतना ना यहाँ पे लड़कों को अधिकारी बना के भेजा आदमी, और उसमें देखते हैं कि सबसे बदमाश दरोगा कौन है। एक एक तो होता है सर, बड़ी बड़ी बदमाश होता है, उस सबको आदमी थमा देता है, ले जाओ इलाज बढ़िया से कर देता है सर, सब सुधर जाते हैं। एक और चीज मैं कह देना चाहता हूँ, अगर खान सर के कोचिंग में कोई लड़की पढ़ रही है तो अगर आप लोग जो है उल्टा सीधा नजर से देखेंगे तो सोच लीजिए सर का तरीका क्या है। हम होम्योपैथिक का इलाज करते हैं, नहीं पता चलेगा कैसे हो रहा है। लड़की से देखिए, उनके लिए यहाँ पे लड़की जो है, एक लड़का जब पढ़ाई करता है ना, वो केवल एग्जाम से लड़ रहा होता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है ना, तो सबसे पहले वो अपने परिवार से लड़ के आई होती है, फिर समाज से लड़ के आई है, फिर उसके बाद वो एग्जाम से लड़ रही होती है। तो जब एक लड़का का रिजल्ट होता है, मतलब वो इस एग्जाम से लड़ा है, और जब लड़की से हो रही है तो पूरे समाज और दुनिया से लड़ा है, लड़ी है वो, तो उसको कम से कम इतना तो टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि वापस उसको पटना छोड़ के जाना पड़े। तो अगर कोई ऐसा कर देता है तो हम उनको भी कहते हैं कि भाई तो उसको भेजने से अच्छा तुम ही चले जाओ यहाँ से। चलिए ठीक है, इन सब बातों पे खान सर के कराए कैसा